नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम आए हैं हमारे विदिशा ज़िले में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा का यहाँ आयोजन हो रहा है। श्री बागेश्वर धाम सरकार का यहाँ आयोजन हो रहा है। जो कथा है ना, वह 7 अप्रैल से चलेगी हमारी 13 अप्रैल तक। तो आप यहाँ आ जाइए और यहाँ पर आकर भव्य कीर्ति का आनंद लीजिए। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि उनकी जो जायजा है तैयारियों का वह पूरा हो चुका है। दुकानें लग चुकी हैं, पूरा मेले का आयोजन हो गया है, झूले वगैरह भी लग चुके हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें, मंदिर वगैरह जो यज्ञ स्थली है वहाँ पर भी ले जाएंगे और मेले का पूरा आवरण दिखाएंगे आपको। चलिए तो मिलते हैं। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। दिखाएं मेलों का जो तैयारियों का जायजा है वो पूरा हो चुका है यहाँ पर। और भारी संख्या में, बहुत सारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आने की संभावना है। लगभग 10 लाख या से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। इसके लिए मेला भी लग चुका है यहाँ पर। झूले वगैरह बच्चों के लिए आप देख सकते हैं वहाँ पर हैं। और यहाँ पर ट्रेन गाड़ी है, काफ़ी झूला है वहाँ पर। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत सारी दुकानें जो है ना वो सज चुकी हैं, मिठाइयों की दुकानें हैं। जो एक छोटे से आयोजन होता है मेले का, जो एक छोटे स्तर पर लगता है, उस तरीके का मेला लग चुका है ना। बस जितने दिन कथा चलेगी ये मेला भी उतने दिन तक चलेगा। तो अब हम आइए ले चलते हैं आपको कथा स्थली तक, जहाँ कथा होगी बागेश्वर महाराज जी की, तो उन तक पहुँचेंगे अब हम। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। और अब हम आए हैं इस मेले में एक भैया जी से। भैया जी अपना नाम बताएं। विपिन खत्री जी है ना, विपिन खत्री जी से। तो भैया यहाँ पर जूस की दुकान लगाए हुए हैं, चूँकि गर्मी काफ़ी अधिक है और सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर जूस का अच्छा प्रबंध किया गया है। तो हम सबसे पहले इनसे प्राइस भी पूछ लेते कि क्या प्राइस रखा गया है यहाँ पर जूस का, कैसा रहेगा यहाँ पर। अभी तो कुछ भी नहीं रखा है ना, है ना। तो लगभग एक ऐसा रहेगा 15 रुपए के समथिंग। 15 रुपए का एक गिलास रहेगा, बर्फ वाला कि बिना बर्फ वाला। बर्फ वाला है ना। तो गर्मी का माहौल है और आप देख सकते हैं कि बर्फ सबसे अच्छे जूस का जो लगा कर रखा है भैया जी ने। तो आपको क्या लगता है, मतलब कितनी जनसंख्या आने का अनुमान है यहाँ पर अभी? समथिंग भैया कह रहे हैं यहाँ पर 5 लाख जनसंख्या जो श्रद्धालु है वो आने की उम्मीद है। लेकिन मेरे ख्याल से कि कम से कम 10 लाख से ऊपर जनसंख्या आने की पूरी उम्मीद नज़र आ रही है ना। तो मेला लगा है, आपको कैसा लग रहा है, मतलब बागेश्वर धाम महाराज जी यहाँ पर आ रहे हैं अपनी कथा का वाचन करने के लिए? बढ़िया लग रहा है। अब बस कल से उनकी कला यात्रा का चालू होने वाली है और पूरे विदिशा में भ्रमण करेगी और उसके बाद फिर यहाँ आएगी और परसों से उनकी कथा का शुभारंभ होगा। तो आनंद लीजिए, आप भी कथा का आनंद लीजिए। और बाकी मैं कथा पूरी बताऊंगा आप सभी को, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो विशाल भाई, जैसा आपने बताया कि आपको के पास गन्ने का जूस मिलता है, इसके अलावा और क्या क्या वैरायटी मिलती है? और नारियल पानी मिलेगा है ना। तो सभी लोग यहाँ पर नारियल पानी के लिए भी उपलब्ध है यहाँ पर साधन। तो क्या है कि गर्मी का मौसम है और सबसे बेस्ट यदि मैं सुझाव दूंगा ना, तो नारियल पानी का सुझाव बेहतरीन रहेगा, क्योंकि जो शरीर का डिहाइड्रेशन सिस्टम है ना वो उससे परिपूर्ण हो जाएगा। उसकी प्राइजेस क्या रहेंगी ये भी बता दीजिए आप। 50 रुपये उसका 50 रुपये प्राइस रहेगा। तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आप बाहर भी जाएंगे तो भी 50 रुपये का पड़ेगा। ऐसा कहीं नहीं है कि भाई मेले लगा हुआ है तो लूटा मारी मच रही है।
महाराज जी का ये मेला है पूरा, तो कोई रूटा मारी नहीं है, आप आराम से आइए। कल आपको ये दुकान जो है ना पूरी सजी हुई मिलेगी और आप मेले का आनंद लीजिए। तो प्यारे दर्शकों, ये पीछे आप देख रहे हैं, ये हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा आयोजित श्री बागेश्वर धाम महाराज जी के द्वारा आयोजित जो कथा स्थल है, उसका जो यज्ञ हवन वेदी है ना, ये आप देख रहे हैं। इसमें पूर्ण आहुति वगैरह सारी जो कथन का कथा होगी, उसका जो हवन वगैरह का कार्यक्रम है वो इसमें संपन्न होगा। तो पीछे ये देख रहे हैं और इसका आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं। पीछे वो पंडाल भी लगी हुई है वहाँ पर, और शायद है कि वहाँ पर कथा का आयोजन होगा, है ना। तो आप आइए, हम आपको पास से दिखाते हैं कि ये जो कथा वेदी है वो किस तरीके की सारी चीज़ें। अंदर जाने का तो कहीं से नहीं है अभी। इसमें रंगोली बनाई गई है, यहाँ पर आप देखिए श्रद्धालुओं के द्वारा रंगोली का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं रंगोली भी बनाई गई है। पूरी हवन वेदी जो है ना, उसके पूरे चारों तरफ रंगोली रंगोली है। आइए, तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर, और आप ये पीछे पूरा देख सकते हैं कि ये महाराज जी के जो दिव्य दरबार लगेगा, तो वहाँ के लिए पूरा पंडाल सज चुका है और महाराज जी वहाँ पर विराजमान होंगे। वहाँ से जो है ना सभा का संचालन करेंगे, दरबार का संचालन करेंगे, दरबार लगाएंगे वहाँ पर। और पीछे आप ये देख सकते हैं उनकी तैयारियों का, जो तैयारियों की व्यवस्था है वो पूरी हो चुकी है। लगभग 1,00,000 आदमी यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, आराम से 1,00,000 आदमी यहाँ पर बैठ जाएगा। कोई निश्चिंत वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1,00,000 आदमी पर्याप्त नहीं होंगे, कम से कम 4-5 लाख आदमी आने की संभावना रहेगी। इस हिसाब से अपनी जिम्मेदारी और अपने सभी सुरक्षात्मक उपायों को दृष्टिगत रखते हुए ही आए यहाँ पर। तो दोस्तों सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं कथा की, और अब कल से जो है कला यात्रा शुरू होगी, और उसके बाद फिर 7 तारीख से 13 अप्रैल तक कथा का शुभारम्भ होगा। तो आप यहाँ पर आइए, और इसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा कि कहाँ पर ये कथा हो रही है महाराज जी की, श्री बागेश्वर धाम महाराज की जो कथा है ना वह कहाँ हो रही है, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये कथा है ना जो विदिशा में हो रही है, विदिशा ज़िले में, और ये भोपाल से 50 किलोमीटर दूर है और सागर रोड पर स्थित है। तो आप जहाँ आइए तो बिल्कुल महाराज जी की कथा का आनंद लीजिए। आपका स्वागत है, और बागेश्वर धाम सरकार की जय।